Hello everyone, I hope you will be fit and fine as usual. Today we are going to read about an interesting story which name is Alvin and a Mouse. You are watching Learn English with Sana Farhan. Welcome back to my channel. Here we go. Alvin and a Mouse. आइए तो फिर पढ़ते हैं ये स्टोरी. इस स्टोरी में क्या है? Here we go. Once upon a time. एक मर्तबा का जिक्र है. Once upon a time का मतलब होता है एक मर्तबा का जिक्र है या एक दफ़ा का जिक्र है. There lived a lion and a mouse. एक चूहा और एक शेर रहा करते थे. One day, एक दिन. The lion was sleeping. शेर सो रहा था. The mouse started playing on it. चूहे ने उसके ऊपर खेलना शुरू कर दिया. Playing का मतलब होता है खेलना. Started का मतलब होता है शुरू कर दिया. Second form है ये start की. The lion woke up. Wake की second form है woke. Past sentence है ये. The lion woke up. शेर जाग गया. He caught up. अक्सर लोग इसे caught कहते हैं. इसकी सही pronunciation caught है. He caught up the mouse. उसने चूहे को पकड़ लिया. And was going to kill. और उसको मारने जा रहा था. ये sentence past कंटिन्यूस का है. किल का मतलब होता है मारना, कत्ल करना. हाँ, तो क्या पढ़ा हमने? एक दफ़ा का जिक्र है. चूहा और शेर रहा करते थे और एक दिन शेर सो रहा था तो उसके ऊपर चूहा खेलना शुरू कर दिया उसने चूहे ने. तो शेर ने उसे पकड़ लिया और उसे मारने वाला था. गोइंग टू ये एक स्ट्रक्चर है. आगे देखें. द माउस रिक्वेस्टेड for forgiveness. Requested second form है request की और इसका मतलब होता है इल्तिजा करना. Second form है तो इल्तिजा की. For का मतलब होता है के लिए. Forgiveness माफ़ी. इसकी translation देखें. The mouse requested for forgiveness. चूहे ने माफ़ी की, इल्तिजा की कि उसने ये कहा कि मुझे माफ़ कर दो. The lion let him go. शेर ने उसे जाने दिया. After some days, after का मतलब होता है के बाद. Some days कुछ दिन यानी कि कुछ दिनों के बाद. After some days, the lion caught in a net. Net का मतलब होता है जाल. और caught catch की second form है. Second और third same है इसकी दोनों forms. शेर जाल में पकड़ा गया. द माउस कट द नेट. कट वर्ब है, इसकी तीनों फॉर्म सेम है. द माउस कट द नेट. चूहे ने जाल काटा विद हिज टीथ अपने दांतों से. द लायन वॉज फ्री. फ्री का मतलब होता है आज़ाद होना. शेर आज़ाद हो गया. ही थैंक्ड द माउस. उसने चूहे का शुक्रिया अदा किया. मॉरल, डू गुड हैव गुड. अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें. स्टे कनेक्टेड विद लर्न इंग्लिश विद सना फरहान. सो लॉन्ग. थैंक यू.